एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द गिवन टाइम इंटरवल. ओके, इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ कंसिडर करेंगे जहाँ पे वी हैव टाइम. ओके, वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वर्सेस टाइम. स्टूडेंट्स वी ऑल नो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे कि मैंने कहा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल. सपोज दिस वॉज द ओके सपोज दिस इज 5, 10, 15, 20 minutes. नाउ suppose at fifth minute the concentration of the reactant hai particular kuch value hai, let us say this value is 0.03 molar. okay, and at 15th minute the value of concentration is 0.012 molar. okay, तो हमें पूछा गया है what is the rate of reaction between the fifth and the fifteenth minute. okay, so we say that हमारे लिए जो T1 है वो है 5 minutes, T2 जो है वो है 15 minutes. similarly T1 पे, so this is our T1 पे जो वैल्यू होगी वो होगी C1. सो C1 वैल्यू इज 0.03 molar. तो जब टाइम फिफ्थ मिनट था तब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, जैसे जैसे समय बढ़ता गया कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप डाउन एंड वी आर गेटिंग C2 इज इक्वल टू 0.01 molar. सो C2 इज दिस. नाउ व्हाट इज एवरेज रेट. एवरेज रेट इज इक्वल टू change in the concentration of reactant or product upon time taken. okay, so suppose I write delta C upon delta T. so हमारे लिए जो हमने average rate लिया है वो है rate of the reactants का. so in this case we are going to write like this, it is average rate of reactants, so minus, okay, minus C2 minus C1 upon delta T. Now let us substitute the value. The value of C2 is 0.012 plus 0.03 upon, so we have delta T 15 minus 5. So जब हम ये calculate करेंगे we will be getting here 10 and 0.012. when you subtract you will be getting 8, 2 minus 1, 1, 0. So we are getting 0.018. Okay, so at the end we write 1.8 into 10 raised to 1, 2 and 3. This is the mole per decimeter cube per minute. Okay, so the average rate of the reaction is calculated in this way. okay, हमें जिस इंटरवल में हमें रेट फाइंड आउट करना है हम उसी इंटरवल को एक्सटेंड करते हैं. उसको एक्सटेंड करके वी ड्रॉ इंटरसेप्ट और वी ड्रॉ पैरेलल लाइन. ओके, पैरेलल लाइन शुड बी इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ओके, सो वी एक्सटेंड इट एंड देन वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एंड इंटरसेप्ट जो है वो है फिफ्थ मिनट का कॉन्सेंट्रेशन, 15 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा टी एंड दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा सी एंड एवरेज रेट इज माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी. क्योंकि ये रिएक्टेंट का रेट है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं द रेट ऑफ द रिएक्टेंट्स रेट इज नेगेटिव. ओके, बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग.